दोस्तों, केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट बाहर निकल कर आई है और कोशिश करेंगे कि यार आज आप सभी लोगों को काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर ये पूरी डिटेल वीडियो समझ आ जाए। पॉइंट टू पॉइंट आज की वीडियो होने वाली है, बट उससे पहले दोस्तों टीम केकेआर अपना प्रैक्टिस कैंप भी लगाने वाला है, उसकी अपडेट्स तो निकल कर आएगी ही, बट एक सीक्रेट मीटिंग यहाँ पर रिलीज और रिटेन प्लेयर्स लिस्ट को लेकर होने वाली है। वो लिंक आपको नीचे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर फॉलो कर लो। अब बात करेंगे टीम केकेआर की, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आ रही है जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर चुका हूं, जहां पर मैं आपको दो प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जो टीम केकेआर रिलीज करेगी। ऑलरेडी मेरे पास यहां पर 5 से 6 प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, उसको आज टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर देंगे। बात करें तो यहां पर सिंपल टॉपिक है, शार्दुल ठाकुर और लॉकी फर्गसन टीम केकेआर से रिलीज होने वाले हैं। अब ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है। लॉकी फर्गसन को लोग सोच रहे हैं कि हाँ बाहर निकाल देंगे क्योंकि उनका पर्स बड़ा है, पैसे काफी मिल जाएंगे। शार्दुल ठाकुर को बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि यार वो एक इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर की अपनी एक अहमियत है, वो एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग में चलेंगे, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में चलेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट मैं आप सभी को ये चीज भी बता दूं कि ये जो टीम है ना, आईपीएल के अंदर सभी टीमें सभी प्लेयर्स का करंट फॉर्म देखा जाता है, इसके अलावा यहां पर पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। भले ही दोस्तों आप किसी भी लेवल के खिलाड़ी हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई, आप ज्यादा पैसे लेकर आए तो आप और गड़बड़ हो जाओगे। ये आपको साल देखना चाहिए, पैट कमिंस का जब वो 15 करोड़ में बिके थे बहुत गंदी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, और वही जब वो 7.5 करोड़ में बिके थे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, 10 करोड़ यहां पर बाहर निकालकर लॉकी फर्गसन को टीम केकेआर अपने पर्स में करेगा, शार्दुल ठाकुर को रिलीज करेगा, 10 करोड़ उसके भी रखेगा और कोशिश करेगा शार्दुल ठाकुर 4-5 करोड़ के अंदर वापस टीम केकेआर में आ जाए। तो रहेंगे वो टीम केकेआर में क्योंकि और भी कोई टीम अभी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही है, इंटरेस्टेड होती तो यहां पर ऑलरेडी उनको ट्रेड के लिए पूछ लेती, बट शार्दुल ठाकुर टीम केकेआर में रहेंगे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बट वो यहां पर वापस रिलीज होकर रीबाय होंगे कम पैसों के अंदर। तो ये है मेन जो यहां पर पूरी वीडियो का सारांश था। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग शार्दुल ठाकुर को रिलीज करके रिबाय करना चाहिए या फिर रिटेन ही कर रखना चाहिए, भले ही टीम केकेआर को 10 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।